झारखंड में फिर मिनी लॉकडाउन तीसरी बार बढ़ाया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मिनी लॉकडाउन के सेकंड टर्म को 6 मई तक बढ़ाया गया है। अब 6 मई के बाद इसे एक सप्ताह और बढ़ाया जाएगा। मालूम हो कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। सरकार की तरफ से कल यह घोषणा कर दी जाएगी कि कोरोना संक्रमण का दूसरा फेज अभी भी घातक सिद्ध हो रहा है। हम इसको देखते हुए मिनी लॉकडाउन की मियाद बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, धार्मिक स्थल से लेकर सामाजिक हिस्सेदारियों वाले कार्यक्रमों में भाग लेने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। सरकार की तरफ से अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन भी बंद किया जाएगा। इतना ही नहीं, बाजार हाटों को भी बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। अभी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक कुछ सब्जी मंडियों को खोलने की अनुमति है, वह भी और सख्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से बेवजह घर से बाहर निकलने वालों और तिपहियों वाहनों तथा वैन कार में अधिक संख्या में चलने पर जुर्माना की रकम बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। यानी सख्ती के साथ साथ जुर्माने की राशि भी बढ़ाई जाएगी। सरकार की हर कोशिश इस बार नाकाम हो रही है। बार बार आग्रह करने के बाद भी कोविड अस्पतालों में डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को काफी फजीहत हो रही है। वैसे भी 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं होने पर सरकार में हड़कंप जैसी स्थिति है। रिम्स सदर अस्पताल और अन्य जिलों के अस्पतालों में हो रही मौतों ने सरकार को बेचैन बढ़ा दी है। इन सब को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार लॉकडाउन और बढ़ाएंगे। कई मीडिया हाउस ने तो लॉकडाउन बढ़ाने की मुहिम तक चला रखी है। मालूम है पूरा देश कोरोना संक्रमण से ग्रसित है, हमारा राज्य भी अछूता नहीं है और हमारे झारखंड प्रदेश में निरंतर इस संक्रमण पर नजर सरकार रखी हुई है। पूरा प्रशासन मुस्तैद है, सभी जिलों से लेकर पूरे राज्य के हर कोने में आज हमारे संक्रमित लोगों की सेवा में दिन रात पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ है और इस संक्रमण में सर्वप्रथम लोगों को ऑक्सीजन युक्त बेड की नितांत आवश्यकता पड़ रही थी। इसको ध्यान में रखकर हमने कुछ दिन पहले कोविड सर्किट का शुभारंभ किया। उससे बड़े पैमाने पर हमारे संक्रमित लोगों को, जिनको ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता होती थी, जानकारी के अभाव में उनको ये पता नहीं चलता था कि बेड कहाँ पर है, ऑक्सीजन युक्त बेड कहाँ है, तो उनको उस जगह पर पहुंचाकर राहत दिया जा रहा था। हम समझते हैं अभी सबसे पहले इस संक्रमण में जो जरूरतें हैं वो आम व्यक्ति को ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता होती है, उसके बाद दवाइयों की आवश्यकता होती है। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।